दोस्तों यहाँ पे इस पेड़ में बहुत सारे एप्पल लगे होते हैं और इसी पेड़ पर दो मोटे मोटे कैटरपिलर रह रहे होते हैं जो कि इस पेड़ की पत्तियां खा रहे होते हैं। और कुछ देर बाद शाम हो जाती है और ये दोनों कैटरपिलर अपने एप्पल जो कि इनका घर होता है उसमें जाकर सो जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है और ये दोनों उठ जाते हैं और ये मेल कैटरपिलर अपनी बीवी के लिए कुछ खाने के लिए लाने चला जाता है और फीमेल कैटरपिलर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। और तभी इनका घर टूटकर नीचे नदी में गिर जाता है और ये देखकर मेल कैटरपिलर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी पत्नी की जान खतरे में होती है। और ये देखकर कैटरपिलर अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए फटाफट नीचे जाने लगता है और कैटरपिलर जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचता है लेकिन इसकी पत्नी काफी दूर तक बहाकर चली जाती है। लेकिन फिर भी कैटरपिलर हार नहीं मानता है, वो अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है और फिर काफी देर के बाद एप्पल जैसे तैसे किनारे पे आकर रुकता है। लेकिन कैटरपिलर नदी के दूसरी साइड होता है, वो उस साइड नहीं जा सकता है। तो कैटरपिलर इस साइड से पेड़ पर चढ़ जाता है और कैटरपिलर की पत्नी उस साइड से पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर ये दोनों स्टेनी की मदद से एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। लेकिन बीच में गैप होता है जिस वजह से ये दोनों यहीं पे लटक जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद ये दोनों सुंदर तितली बनकर निकलते हैं और ये दोनों फिर से मिल जाते